नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हिंदू राठौड़। हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र के दौरे की करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में क्या कुछ निकल कर आया वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, देश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी और उसके साथी गंभीरता से आगे बढ़ रही हैं। देश की जनता बीजेपी को बार बार चुन रही है। मैं यहाँ महायुति के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। देश की जनता ने एनडीए को तीसरी बार जिताया। विकसित महाराष्ट्र के लिए महायुति की सरकार चाहिए। महाराष्ट्र ने कांग्रेस का प्रकोप झेला है। परेशानियों की जड़ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने कभी किसानों की परवाह नहीं की। किसानों का हित हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसानों को पीएम सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की वो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से निकली। दरअसल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि महाराष्ट्र ने कांग्रेस का प्रकोप झेला है। परेशानियों की जड़ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बताया और कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों की परवाह नहीं की। किसानों का हित हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। तो ये कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में सामने आई। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र के दौरे की। और प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र के अकोला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाराष्ट्र एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। केंद्र में हमारी नई सरकार को 5 महीने ही हुए हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शुरू हो गई है। इनमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी है। मैंने कुछ दिन पहले ही वधावन पोर्ट की आधारशिला रखी। आज भारत के सभी बंदरगाह की कुल क्षमता की दोगुना क्षमता के लिए वधावन पोर्ट की होने वाली है। महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब पूरा देश जनता जानता है कि महाअघाड़ी मतलब भ्रष्टाचार। तो कुल मिलाकर महाअघाड़ी को आड़े हाथों लिया और कहा कि भ्रष्टाचार है इसका मतलब महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही। महाअघाड़ी मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। महाअघाड़ी मतलब टोकन मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर यहां पर निशाना साधा और किस तरह से 5 महीने के अंदर ही केंद्र सरकार ने क्या कुछ कार्य किए उसका जिक्र किया। महाराष्ट्र के लिए क्या कुछ किया उसका भी जिक्र किया, क्योंकि लाखों करोड़ों की परियोजनाएं यहां पर दी गई और उसमें महाराष्ट्र के लिए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फोकस हुआ है उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस सभा के अंदर अपने संबोधन के अंदर किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज झुंझुनू के दौरे पर रही। मुख्यमंत्री ने आज झुंझुनू के सुल्ताना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल झुंझुनू की हवा बदली बदली सी नजर आने लगी है। 70 साल के राज में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। झुंझुनू की जनता के सामने अब सोचने का समय आ गया है। हमारी सरकार 1 वर्ष के कार्यकाल का पूरा पूरा हिसाब देगी। 1 साल होगा उस दिन साल भर का हिसाब दिया जाएगा। पिछली सरकार के राज में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। 200 से ज्यादा पेपर लीक मामले वाले अपराधी जेलों में बंद हैं। लेकिन अब मैं प्रदेश के युवाओं को कहता हूं, युवाओं चिंता मत करो, तैयारी करो, भर्तियां अभी और निकलेगी। ये वो खास बातें जो हम आपको बता रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री के मुख से निकली। एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस सभा के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा वो हम आपको लगातार बता रही हैं। झुंझुनू की हवा बदली बदली सी नजर आने लगी है। 70 साल के राज में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। झुंझुनू की जनता के सामने अब सोचने का वक्त है। हमारी सरकार 1 वर्ष के कार्यकाल का पूरा हिसाब देगी। 1 साल होगा उस दिन हिसाब दिया जाएगा साल भर का। पिछली सरकार के राज में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। 200 से ज्यादा पेपर लीक मामले वाले जो अपराधी है वो आज जेल में बंद है। ये उन्होंने कहा। लेकिन अब मैं प्रदेश के युवाओं को कहता हूँ कि युवाओं चिंता मत करो, तैयारी करो, क्योंकि भर्तियां अभी और निकलेगी। ये कुछ खास बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। पंजाब में भाजपा के सबसे मुखर नेता बनकर उभर रही है रवनीत सिंह बिट्टू। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे बिट्टू। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें किस तरह से
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था। राजनीतिक विरोधियों पर तीखे शब्दों से हमला अक्सर करते हुए देखने को मिलते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू की अगर आप बात करें तो देखिए पुरानी राजनीतिक विरोधी के साथ है रवनीत सिंह बिट्टू। गिदरबाहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रही मनप्रीत सिंह बादल पहले अकाली दल में थे फिर कांग्रेस में गए अब भाजपा में है मनप्रीत। भाजपा उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल का प्रचार कर रही है बिट्टू। किस तरह से उन्होंने बीजेपी का साथ जो है वो यहाँ पर दिया था वो हम आपको लगातार बता रही हैं। लोकसभा चुनाव का जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है वो इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे बिट्टू। राजनीतिक विरोधियों पर तीखे शब्दों से अक्सर हमला करती हैं रवनीत सिंह बिट्टू अब अपने पुराने राजनीतिक विरोधी के साथ में नजर आ रही है। दरअसल आपको जानकारी दे दी कि गिदरबाहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रही मनप्रीत सिंह बादल पहले अकाली दल में थे फिर कांग्रेस में गए अब भाजपा में शामिल हुए हैं मनप्रीत। भाजपा उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल का प्रचार कर रही हैं बिट्टू। उत्तर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। वाराणसी से दिल्ली आ रही वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश यहां पर की गई। वंदे भारत एक्सप्रेस के सामने एक युवक बाइक छोड़कर भागा। वंदे भारत ट्रेन के इंजन से टकराने के बाद इंजन में ये बाइक फंस गई। इसी बीच लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। गनीमत रही कि वंदे भारत नहीं हुई ड्रेल नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। प्रयागराज के समीप आपको बता दें कि झूसी स्टेशन के पास बंदवा ताहिरपुर रेलवे अंडरपास की घटना है। बाइक मालिक के खिलाफ हालांकि अब मामले को दर्ज कर लिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी अब जांच में जुटी है। दरअसल जब ये ट्रेन आ रही थी तो यहां पर इसे पूरी तरह से डिरेल करने की कोशिश की गई और आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश वंदे भारत एक्सप्रेस के सामने का युवक बाइक छोड़कर भाग गया। वंदे भारत ट्रेन के इंजन से टकराने के बाद इंजन में ये बाइक फंस गई। इसी बीच लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। गनीमत रही कि वंदे भारत ट्रेन जो है डिरेल नहीं हुई वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। प्रयागराज के समीप की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि जो बाइक मालिक है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। RPF और GRP अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कई बार चौंकाते रहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाल ही में एक कार्यक्रम में अपनी जगह से उठे नीतीश कुमार और पूर्व भाजपा सांसद आरके सिन्हा की चरण स्पर्श करने लगे। इससे असहज हो गए आरके सिन्हा। एक मंत्री से कहा इन्हें समझाओ 6 महीने पहले भी नीतीश ने छू लिए थे प्रधानमंत्री के पैर। इसके कुछ महीने बाद एक अफसर की पाम छूते दिखे थे नीतीश। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। कुछ जानकारों की राय सहयोगी पार्टियों को अटकली लगाने पर मजबूर करते हैं नीतीश यानी कि उनकी एक स्ट्रैटेजी है एक रणनीति है और एक रणनीति के तहत इस तरह के काम करते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार का जो इस तरह का रवैया है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है क्योंकि इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है। कई बार सभी को चौंका देते हैं। हाल ही के कार्यक्रम की बात करें तो अपनी जगह से उठे नीतीश कुमार और पूर्व भाजपा सांसद हैं आरके सिन्हा उनके चरण स्पर्श करते हुए नजर आए। इससे पूर्व सांसद थोड़े से असहज हो गए और उन्होंने एक मंत्री से कहा कि इन्हें समझाओ 6 महीने पहले भी नीतीश ने प्रधानमंत्री के पैर छू लिए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसको लेकर अभी से रणनीति बना रही है और अपनी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं चौंका रही हैं नीतीश कुमार। गौतम गंभीर के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा आखिरी मौका, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल टीम इंडिया हारी तो इस बार BCCI बड़ा एक्शन ले सकता है। हाल ही में न्यूजीलैंड की बात करें क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जो शर्मनाक हार हुई थी वो चर्चाओं में रही। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को घर में 0-3 से शर्मनाक हार मिली। ऐसे में खिलाड़ियों के साथ कोच गंभीर पर भी कई तरह के सवाल। कोच गंभीर भी सवालों के घेरे में। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया दौरा गंभीर के लिए आखिरी मौका हो सकता है। BCCI दोनों फॉर्मेट में अलग अलग कोच बनाए जाने का विचार कर रही है। कप्तान रोहित सिलेक्टर अजीत अगरकर और गंभीर के साथ हुई थी BCCI की मीटिंग। इस दौरान टर्निंग पिच और बुमराह को तीसरे टेस्ट में आराम देने के बारे में पूछा गया। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम का अच्छा प्रदर्शन करना गंभीर के हित में है क्योंकि जिस तरह से BCCI ने यहां पर मीटिंग की और मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया वो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को घर में 0-3 से शर्मनाक हार मिली थी। ऐसे में खिलाड़ियों के साथ कोच गंभीर भी सवालों के घेरे में। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया दौरा गंभीर के लिए आखिरी मौका हो सकता है। BCCI दोनों फॉर्मेट में अलग अलग कोच बनाए जाने का विचार कर रही है। कप्तान रोहित सिलेक्टर अजीत अगरकर और गंभीर के साथ यहां पर BCCI की मीटिंग हुई थी।
इस दौरान टर्निंग पिच और बुमराह को तीसरे टेस्ट में आराम देने के बारे में भी पूछा गया था। तीर्थराज पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की रौनक परवान पर है। विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2024 का आगाज हुआ आज से इसका आगाज हुआ। जानकारी दे दें कि तीर्थ नगरी पुष्कर की आकर्षक सजावट के साथ ब्रह्मा सरोवर में दीपदान हुआ। कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक श्रद्धा आस्था का महासंगम होता है। लाखों श्रद्धालु ब्रह्मा सरोवर में स्नान कर जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं। देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु और बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक मेले में आते हैं। घोड़े ऊंट और पालतू पशु की खरीद बिचवान के लिए पशु व्यापारी भी यहां पर पहुंचते हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा, इसके अलावा सिंगर कैलाश खेर सहित कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे। अजमेर जिला कलेक्टर ने 14 नवंबर को पुष्कर मेले का अवकाश घोषित किया है। 15 नवंबर को अवकाश के चलते एक दिन पहले कलेक्टर पावर की छुट्टी घोषित। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में 300 जवान संभालेंगे मेला और ट्रैफिक की व्यवस्था। आज से 15 नवंबर तक ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता पूरी नफरी के साथ यहाँ पर तैनात रहेगा। राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग का सर्कुलर राज्य सरकार के सभी कॉलेज के गेट भगवा रंग से रंगने के निर्देश। पहले चरण में हर संभाग के दो दो सरकारी कॉलेज पे रंग होगा। 7 दिन में 20 कॉलेज के प्रवेश द्वार और हॉल में भगवा रंग होगा। भाजपा सरकार की कायाकल्प योजना के तहत रंग बदला जाएगा। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा पर शिक्षा की भगवाकरण का आरोप लगाया है। पुराने डीजल इंजन अफ्रीकी देशों को निर्यात करेगी रेलवे। रेल लाइन का विद्युतीकरण बढ़ने के बाद डीजल इंजन की जरूरत था। जो इंजन 15-20 साल और चल सकती है उनके निर्यात का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि रेलवे पीएसयू आरआईटीईएस के प्रमुख राहुल मित्तल ने इसकी जानकारी दी। दक्षिण अफ्रीका की कंपनियों से मिले हैं 2 ऑर्डर। एक 35 करोड़ रुपए का है, दूसरा 50 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। इस समय अफ्रीकी देशों को रेलवे के इंजनों की भारी जरूरत नजर आ रही है और 2 बड़े ऑर्डर भी यहां पर मिले हैं। चुनावी राजनीति में तीसरी बार भाग्य आजमा रही है निखिल कुमार स्वामी। दरअसल जेडीएस नेता केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी के पुत्र हैं निखिल कुमार स्वामी। 2 बार चुनाव हारने के बाद तीसरी बार उपचुनाव में उम्मीदवार हैं निखिल। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने निखिल को बताया बालक। चन्नापटना विधानसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार हैं निखिल कुमार स्वामी। एचडी कुमार स्वामी ने कहा चुनावी रणनीति अभिमन्यु नहीं बनेगा निखिल। पिछली बार कुछ लोगों ने धोखा दिया था इसीलिए हार गए थे निखिल। इस बार अर्जुन की भूमिका में है निखिल जिनके साथ है भगवान कृष्ण। ये अपने आप में उनका बड़ा बयान। और चलिए इसी के साथ